सबसे अच्छे किचन हैक्स जो सभी गृहिणियों को जानना बेहद जरूरी है। नंबर एक, प्रत्येक धुलाई के बाद चाकू को तेज करें। अपने चाकुओं को धोने और सुखाने के बाद उन्हें जल्दी से धार दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो तो वे इस्तेमाल के लिए तैयार हो, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें और पता करें कि जब आप उनका इस्तेमाल करने जाएंगे तो वे कुंद हो जाएंगे। एक हैंड हेल्ड नाइफ शार्पनर में निवेश करके चाकू को बहुत कम प्रयास के साथ जल्दी से धारदार बनाया जा सकता है। नंबर दो, चाकुओं को उल्टा करके ब्लॉक में रखें। अपने चाकुओं को उनके ब्लॉक में उल्टा करके रखने से ब्लेड कुंद और सुस्त होने से बच जाते हैं। नंबर तीन, लहसुन की गंध को दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील साबुन का उपयोग करें। स्टेनलेस स्टील साबुन आपके हाथों से लहसुन की गंध को दूर करने का एक त्वरित और प्रभावी तरीका है। बस ठंडे पानी के नीचे साबुन से अपने हाथों को रगड़ें और अगली बार जो आप देखेंगे, बदबू से मुक्त हाथ। क्या आपके पास स्टेनलेस स्टील साबुन नहीं है? इसके बजाय एक चम्मच का उपयोग करके देखें। नंबर चार, पास्ता उबालते समय बर्तन के ऊपर लकड़ी का चम्मच रखें। उबलते हुए पास्ता के बर्तन के ऊपर लकड़ी का चम्मच रखने से स्टार्च के बुलबुले टूटने में मदद मिलती है तथा पानी के उबलने और गंदगी होने से बचाव होता है। नंबर पाँच, अंडे उबालते समय पानी में नमक और बाइकार्ब सोडा मिलाएं। अंडे उबालते समय पानी में हमेशा थोड़ा सा नमक और बाइकार्ब सोडा डालें। नमक अंडे के छिलकों को टूटने से बचाता है और बाइकार्ब सोडा उन्हें छिलना आसान बनाता है। नंबर छः, अंडे के छिलके को हटाने के लिए अंडे के छिलके का उपयोग करें। यदि आपके टूटे हुए अंडे में छिलका गिर जाए तो उसे निकालने के लिए छिलके का दूसरा टुकड़ा प्रयोग करें। नंबर सात, कांच के बर्तनों और पाइरेक्स को सिरके से पोंछ कर चमकाएं। अगर आपके पास डिशवाशर नहीं है तो सफ़ेद सिरके से कपड़ा गीला करें और कांच के बर्तनों और पाइरेक्स पर पोंछे। इससे दाग धब्बे नहीं दिखेंगे और साबुन के अवशेष और वाटर मार्क भी नहीं निकलेंगे। किसी भी तरह की गंध की चिंता ना करें, सिरका सूखते ही वह चली जाएगी। नंबर आठ, साफ बर्फ के टुकड़ों के लिए पहले से उबले पानी का उपयोग करें। बर्फ के टुकड़े बनाने के लिए नल से ठंडा पानी इस्तेमाल करने के बजाय एक बर्तन में पानी उबालें, इसे कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें, फिर अपने आइस क्यूब ट्रे भरें। न केवल आपको साफ बर्फ के टुकड़े मिलेंगे बल्कि एम्पेम्बा प्रभाव के कारण क्यूब्स वास्तव में तेजी से जम सकते हैं। नंबर नौ, पकाने से पहले चावल को धोकर भिगो दे। चावल पकाने से पहले अतिरिक्त स्टार्च को हटाने के लिए इसे एक मिनट के लिए ठंडे पानी में धो ले और फिर पकाने से पहले इसे कम से कम 15 मिनट तक भीगने दे। इससे चावल पूरी तरह से पक जाएगा और चिपचिपा नहीं होगा। नंबर 10, टेक अवे कंटेनर में मांस को फ्रीज करें। फ्रीजर में हाथ डालकर और बिना पहचाने जाने वाले मांस से भरे जमे हुए बैग को बाहर निकालने से बुरा कुछ नहीं है। प्लास्टिक के टेक अवे कंटेनर में मांस को स्टोर करके आप कंटेनर पर लिख सकते हैं कि अंदर क्या है, इसका वजन कितना है और इसे किस तारीख को जमाया गया था। इसके अलावा वे बड़े करीने से ढेर हो जाते हैं जिससे जगह बचती है और चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। नंबर 11, बारीक टुकड़ों में काटने से पहले मांस को फ्रीज करें। अगर आपको स्टर फ्राई के लिए बारीक कटा हुआ मांस चाहिए तो चाकू निकालने से पहले उसे 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। मांस को आधा जमा देने से मांस सख्त हो जाता है, जिसका मतलब है कि इसे काटना या आसान है। फ्रेंड्स, आप सबको आज की ये सिंपल किचन हैक्स की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।